नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में तो आज हम आपके लिए सेट सी का आंसर की लेके आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और दोस्तों तक जरूर शेयर करें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बाकी यदि आप कोई दूसरे सेट से भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस क्वेश्चन का क्रम बदला रहता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए चूज the करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो कस्टम का आपका सेलिंग स्पेलिंग uh, होता है सी यू एस टी ओ एम यानी कि इसका सही आंसर है बी गॉड इज डैश टू मी तो गॉड इज़ गुड टू मी यानी कि इसका सही आंसर है आपका ए ए नहीं सॉरी गॉड इज़ गुड टू मी यानी कि इसका सही आंसर आपका सी नेक्स्ट हु मेक्स अ नॉइस चूज़ द सुटेबल पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस मैंने आपको कई बार वीडियो में कराया आपका मैंने स्ट्रक्चर भी बताया है तो इसका सही आंसर है बाई हुम वॉज अ नॉइज मेड तो पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है ठीक है वी थ्री फॉर्म रहता है और यह था मैंने आपको वीडियो में कराया था पिछले वीडियो में हरी अप और डैश मिस द बस हरी अप और वी विल मिस द बस ठीक है यानी तो सही आंसर आपका ए नेक्स्ट ही हैज़ बीन डैश लीव फॉर अ मंथ तो ही हैज़ बीन ग्रांटेड यानी किज बीन ग्रांटेड लीव फॉर अ मंथ आई सो हिम डैश फॉर यू आई सो हिम आई सो हिम ही आई सो हिम आई सो हिम वेटिंग फॉर यू इसका यानी कि इसका सही आंसर है आपका ए सेवन आई डैश कास्ट आई डैश आस्क बाई देम टू बी सिंसेर आई वॉज आस्क बाई देम टू बी सिंसेर यानी कि सही आंसर है आपका ए एट डैश इज अ बाइबल इज अ होली बुक तो दी बाइबल इज एन होली बुक ठीक है नेक्स्ट ही यूजअली डैश टू माई हॉस्टल ही यूजअली कम्स टू माई हॉस्टल इसका सही आंसर आपका ए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो थिएटर का आपका स्पेलिंग होता है टी एच ई ए टी आर ई यानी इसका सही आंसर है ए तो इलेवन नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं वाइल यू आर रीडिंग आई डैश स्लीपिंग आई वॉज स्लीपिंग यानी इसका सही आंसर है आपका सी इलेवन का द पुअर डैश हेल्पलेस द पुअर आर हेल्पलेस यानी इसका सही आंसर आपका सी आर मोहन वॉज डैश हर्ट इन अ कार एक्सीडेंट मोहन वॉज सीरियसली हर्ट इन अ कार एक्सीडेंट यानी कि सही आंसर आपका ए नेक्स्ट ही डैश रीडिंग अ नॉवेल ही लव्स रीडिंग अ नॉवेल यानी कि इसका सही आंसर है ए डी सॉरी वी आर मीटिंग डैश लंच टाइम नेक्स्ट थर्सडे वी आर मीटिंग ऑन वी आर मीटिंग एट लंच टाइम नेक्स्ट थर्सडे इसका सही आंसर यानी कि बी इज स्पोकन बाई पीपल इन ब्राज़ील तो चूज़ दूटेबल एक्टिव वॉइस पीपल विल भी स्पीकिंग पोर्टुगीज इन ब्राज़ील पीपल है तो इसका सही आंसर आपका होगा डी पीपल स्पीक पोर्टुगीज इन ब्राज़ील नेक्स्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो ऑलमोस्ट का आपका स्पेलिंग बहुत ही आसान है ए एल एम ओ एस टी नेक्स्ट चूज दूटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज लुक इन टू तो लुक इन टू का मतलब होता है टू वॉच किसी पर ध्यान रखना चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज डू अवे विथ तो इसका सही आंसर होगा डू अवे विथ का होगा आपका डिस्कार्ड यानी कि सी नेक्स्ट यू आर ऑनेस्ट आई विल ट्रस्ट यू चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस ठीक है तो इसका सही आंसर होगा सिंस यू आर ऑनेस्ट आई विल ट्रस्ट यू यानी कि इसका सही आंसर आपका सी ट्वेंटी वन वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास द एग्जामिनेशन वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जामिनेशन सॉरी हैज पास द एग्जामिनेशन की ए ट्वेंटी वन का ए माई मदर स्टडी डैश माई मदर स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू लूज हार्ट तो इसका सही आंसर आऊगा टू बिकम डिसेज नेक्स्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट ही कूडेंट पास द टेस्ट तो चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस तो so, इसका सही आंसर आपका होगा ऑल दो ही ट्राइड हिज बेस्ट ही कुडेंट पास टेस्ट यानी कि ए नेक्स्ट आर यू कमिंग टू डैश पार्टी नेक्स्ट सैटरडे आर यू कमिंग टू द पार्टी नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स शी इज राइटिंग अ लेटर चूज सूटेबल पैसिव वॉइस तो इसका सही आंसर होगा आपका अ लेटर इज बींग रिटर्न बाय पैसिव वॉइस मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था आपने यदि वो देखा होगा तो आपने बिल्कुल ही सही आंसर मारा होगा पैसे में हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री का फॉर्म रहता है और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाता है तो ये इसमें सेम है बी में देख लीजिए आप मिला के चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्लो अप तो ब्लो अप का सुटेबल मीनिंग यानी कि एस एक्सप्लोर्ड नेक्स्ट रीता इज अराइविंग तो रीता इज अराइविंग एट एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग यानी कि ए आई लाइक टू टेक कॉफ़ी डैश द इवनिंग आई लाइक टू टेक कॉफ़ी इन द इवनिंग यानी कि सी ट्वेंटी नाइन का ही टीचर्स इंग्लिश चूज द सुटेबल पैसे वॉयस तो पैसे वॉयस में आपका मैंने जैसे बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पहले आ था subject जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में हो जाता है ठीक है तो यहाँ देखिए आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट है यह पहले आ गया वी थ्री का फॉर्म सेम सेम टू सेम रहा और हिम सब्जेक्ट लास्ट में आ गया तो इंग्लिश इज टॉट बाई हिम बी इंस्ट्रक्शन हु वॉज डेविड्स ग्रेट आंट तो ये आपका प्रोज सेक्शन अब शुरू हो गया तो ग्रेट आंट उसकी थी मिस बेट सी यानी कि इसका सही आंसर आपका सी हु इज द राइटर ऑफ डेविड कॉफर फील्ड तो डेविड कॉफर फील्ड आपका चार्ल्स डिकेंस ने लिखा ठीक है ये उनसे काफी मैच करता था उनका माना जाता है कि उनके बचपन से ही मैच करता है विथ होम डेविड लिव वाइल वर्किंग एट वाइन फैक्ट्री तो इसका सही आंसर होगा मिस्टर मिकॉबर यानी कि सी हु इज डोराू इज विद डोरा वेंशी डाइ सो डोरा के साथ कौन थी जब वो मर रही थी उसका सही आंसर होगा आपका एजनेस सी हु वॉज द डॉटर ऑफ मिस्टर विकी फील्ड तो मिस्टर विकी फील्ड की डॉटर क्ले, uh, क्लेडा नहीं थी एजनेस थी यानी कि इसका सही आंसर है सी क्लेडा और पेगोटी दोनों सेम है ठीक है ये डेविड कॉपर्टफील्ड का ये डेविड कॉपर्टफील्ड को ब, uh, मतलब कि उसका देखभाल यही की थी क्लेडा और पेगोटी चलिए नेक्स्ट मिस्टर विकी फील्ड सफर्स फ्राम यानी कि ए नेक्स्ट द फोटोग्राफर मेड द वेट दन आवर यानी कि ए थर्टी सेवन का नेक्स्ट थर्टी एट मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज बीन कम्पेयर टू डेजर्ट यानी कि सी याड किपलिंग वॉज बॉर्न इन बॉम्बे बट वॉज एडुकेटेड इन इंग्लैंड यानी कि ए फोर्टी रोड द पोएम द डेफोडिल्स द डेफोडिल्स आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था यानी कि ए द पोएम इफ हैज बीन एड्रेस टू तो इसका सही आंसर होगा आपका सन एक फादर अपने सन को एड्रेस करता है उसमें ठीक है इसका सही आंसर है आपका ए सन द डैश एट एट डेफोडिल्स दोएट नियरली टेन थाउजेंड यानी कि ए फोर्टी टू का विदाउट डैश नथिंग कैन बी एंजॉय विदाउट गुड हेल्थ यानी कि बी गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग सिंपैथी विद अदर्स यानी कि इसका सही आंसर है आपका बी ठीक है नेक्स्ट फोर्टी फाइव वॉल्टर डीला मेर इज पॉपुलरली नोन एज तो वॉल्टर डीला मैंने आपको जैसे ने बताया था कि रोमांटिक पोट है यानी कि डी लेटर राइटिंग डिस्ट्रॉयज इंटी यानी कि इसका डी फोर्टी सिक्स का आपका डी हु रोड द पीस आवर ओन सिविलाइजेशन तो ये आपका लिखा था सी एम जॉर्ज ने ठीक है इसका सही आंसर आपका बी हु वॉज नॉट अ ऑफ डेथ तो इसका सही आंसर आपका द सोल्जर नेक्स्ट हु कंपोज दी पोएम द सोल्जर रूपर्ट ब्रोक इसका सही आंसर है आपका फोर्टी नाइन का ए डब्लू बी ईस्ट बिलोंग टू डैश सेंचुरी इसका सही आंसर आपका ट्वेंटी एथ सेंचुरी तो आशा करता हूँ दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया और बहुत ही अच्छे नंबर से पास करें आपका बहुत अच्छा परसेंट आए तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद नमस्कार